हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डायोड। डायोड मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन डायोड में फिर क्या शुरू करने वाले हैं। डायोड के हमने जो इक्वेशन से रिलेटेड, थियरी के कॉन्सेप्ट से, एप्लीकेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, लेकिन जब हम अब वो क्वेश्चन करने वाले हैं डायोड के साथ जिसमें रेजिस्टेंसेज होंगे, वोल्टेजेज लगे होंगे, तो करंट क्या फ्लो होगी, तो इसमें डायोड की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक से मैं अब आपको एक मेथड सिखाने वाला हूं, उसको क्वेश्चन के थ्रू ही सिखाऊंगा। एक बार सीख गए वही मेथड मैं यूज करने वाला हूं, क्योंकि पीएन आप जहां भी जाओगे, मॉस्फेट जाओगे वहां भी आपको पीएन जंक्शंस मिलेंगे, आपको आप जाओगे बीजेटी में वहां भी पीएन जंक्शंस मिलेंगे। तो वहां पे मॉस्फेट को भी मैं एक स्विच की तरह ट्रीट करूंगा, बीजेटी को भी एक स्विच की तरह ट्रीट करूंगा और डायोड को भी। ये अब देखिए, आप जब नेटवर्क के क्वेश्चन करते हो जहां पे रेजिस्टेंसेज लगे होते हैं, वोल्टेजेस लगे होते हैं, तो आपको उसमें अगर आपने केवीएल केसीएल सीख लिया थोड़ा बहुत, केवीएल केसीएल कैसे मैं चीजें कराऊंगा, कुछ चीजें मैं एक दो पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसका आप यूज करोगे तो आपको चीजें बेनिफिशियल होंगी, तेजी से होंगी, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहां हम क्वेश्चन करने का अप्रोच सीखने वाले हैं बेसिकली। तो बेसिकली दिक्कत आपको कहाँ होती है, जैसे रेजिस्टेंस होगा तो उसमें वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे भी लगा लो, वोल्टेज सोर्स को कैसे भी लगा दो, वहां करंट फ्लो ही होगी होगी, डायरेक्शन बस करंट का चेंज हो सकता है ना। अगर मैं उल्टा वी की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो सेम मैग्नीट्यूड की करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। लेकिन आपका जब डायोड आता है, बीजेटी आता है, मॉस्फेट आता है, तो ये एक स्विच है। जैसे आप स्विच घर में भी अपने देखते हो तो आप जब प्रेस करते हो देन इट इज ऑन, तो करंट फ्लो हो जाती है, लो रेजिस्टेंस हो जाता है। जब आप ऑफ कर देते हो तो ये हाई रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है और करंट को अलाउ नहीं करता, यही होता है। तो डायोड को भी अगर आप देखो, जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो डायोड कोई करंट अलाउ नहीं करता, या वेरी स्मॉल करंट, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। वो आइडियल केस में हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नैनो एम्पियर, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। जबकि जो नॉर्मल करंट आपके, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करूं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो जो डिवाइसेस यूज होती हैं, ओप एम्प, बीजेटी, तो इनमें जो करंट है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की फ्लो होती है। तो नैनो एम्पियर इज 10^6 टाइम्स स्मॉलर देन मिली एम्पियर, तो वो करंट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड। तो रिवर्स बायस में वो बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करता है या ऑफ स्टेट में होता है, और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड इज इंफिनिटी आप मानते हो, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम होता है कि नहीं। तो वो रिवर्स बायस है तो करंट अलाउ नहीं करेगा, जबकि वो फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट अलाउ करता है। तो वो एक स्विच हो गया कि नहीं, तो फॉरवर्ड बायस में एक तरह से वो मान सकते हो कि ऑन है, और रिवर्स बायस में वो क्या है, ऑफ है, तो ऑफ में करंट नहीं फ्लो करा रहा, ऑन में करंट फ्लो करा रहा, जबकि नॉर्मल रेजिस्टेंस हमेशा फ्लो कराता है, चाहे जैसे भी वोल्टेज को कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब दूसरी चीज, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन में यह सिखा दूं, अगर आपको पता चल जाए कि डायोड ऑन है, फिर तो वो सिंपल सा नेटवर्क का क्वेश्चन बन जाएगा और कुछ नहीं। डायोड ऑन है तो उसकी ऑन की सर्किट से रिप्लेस कर दो, उसमें वी कट इन वोल्टेज और प्लस अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ है उससे रिप्लेस कर देते हो, फिर वो सिंपल सा वोल्टेज और रेजिस्टेंस का नेटवर्क सर्किट बन जाता है। और अगर आपकी नेटवर्क अच्छी है, नेटवर्क में क्या अच्छी है, केवीएल केसीएल अगर आपका केवल अच्छा है, तो बहुत ही इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो वहां पे हम ऑन और ऑफ, तो मैं आपको वही मेथड डेवलप कराने वाला हूं, वो मैं जनरल मेथड नहीं जो कन्वेंशनल होता है कि मान लेते हैं कि डायोड ऑन है तो करंट फ्लो हो रही है, करंट माइनस डायरेक्शन में आ गई तो यानी कि वो ऑफ था, ऐसे तो ये बहुत लेंदी मेथड है। मैं आपको सिखाऊंगा एज ए स्विच, जब स्विच है तो अब देखो, जब तक आपने स्विच को प्रेस नहीं किया तब तक वो ऑन नहीं था, मतलब तब तक वो क्या था, ओपन सर्किट। तो डायोड की भी अगर ध्यान से देखो, अभी डायोड की मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाने वाला हूं, तो डायोड अगर पी इंड का पोटेंशियल एन इंड के कंपेयर में हाई है, मैंने बताया था, देन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। व्हेन पोटेंशियल ऑफ एन इंड ऑफ डायोड इज हायर कंपेयर टू पी इंड ऑफ डायोड, देन दैट डायोड इज इन रिवर्स बायस मोड। तो रिवर्स बायस में तो सीधे वो ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ओपन सर्किट से कोई करंट नहीं जाती, रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी, वी अपॉन इंफिनिटी इज जीरो। अब दूसरी चीज देखो, जब वो फॉरवर्ड बायस है, अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊंगा, तो फॉरवर्ड बायस में भी अगर आइडियल डायोड है तो कट इन वोल्टेज जीरो लेते हो, अगर आइडियल डायोड नहीं है तो कट इन वोल्टेज गिवन होगा। तो मैं जनरल कराऊंगा कट इन वोल्टेज वी गामा लेके 0.7 वोल्ट या 0.2 वोल्ट जो भी होगा, जर्मेनियम के केस में आपने पढ़ा होगा 0.2 से 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के केस में 0.6 टू 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। कट इन वोल्टेज क्या, डायोड फॉरवर्ड बायस होते हुए भी जब तक सफिशियंटली फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तब तक वो ऑन नहीं होता है ना। तो लेकिन कुछ लोग गलत पढ़ाते हैं कि कट इन वोल्टेज से जब ज्यादा वोल्टेज लगाते हो
डायोड के क्रॉस विद पी इंड पॉजिटिव एंड एन इंड निगेटिव, तब कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस है। कुछ लोग ऐसा भी पढ़ाते हैं जबकि वो गलत है। अगर पी इंड का पोटेंशियल एन इंड से हाई है, चाहे वो 0.1 वोल्ट से हाई हो, चाहे 0.2 वोल्ट से हाई हो, चाहे 0.3 से, चाहे 0.05 से, वो डायोड फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन फॉरवर्ड बायस जब आप करते हो तो मैंने पढ़ाया था कि डिफ्यूजन करंट फिर बढ़ती है एक्सपोनेंशियली ई टू द पावर क्यू वी एफ अपॉन केटी के रेशियो में विद इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू के बराबर होती थी डिफ्यूजन करंट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वालों ने वो शायद नहीं देखा होगा ईडीसी की वजह से, तो वो ये केवल इतना समझे कि फॉरवर्ड बायस में डायोड जब भी पी इंड का पोटेंशियल हाई है एन इंड के कंपेयर में तो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। लेकिन फॉरवर्ड बायस होना इज नॉट सफिशियंट फॉर डायोड टू बी ऑन। डायोड को ऑन होने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट कट इन वोल्टेज वी गामा। तो जब वो फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस कब हो गया, जब वीपी इज ग्रेटर देन वीएन। जब वीपी माइनस वीएन, अगर वीपी ग्रेटर देन वीएन है तो फॉरवर्ड बायस में है। अब उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, वीपी माइनस वीएन, इफ वीपी माइनस वीएन दैट विल बी पॉजिटिव बिकॉज वीपी इज ग्रेटर देन वीएन। तो वीपी माइनस वीएन अगर कट इन वोल्टेज से ज्यादा हो गया तब डायोड परफेक्टली ऑन होगा और करंट का कंडक्शन करेगा। अगर वीपी माइनस वीएन लेस देन वी गामा है जबकि डायोड तो फॉरवर्ड बायस है तो जो करंट फ्लो होती है दैट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड। तो वो करंट भी फॉरवर्ड बायस होते हुए भी इतनी स्मॉल करंट फ्लो होती है कि हम कहते हैं कि कंडक्शन नहीं हो रहा है और हम इन जनरल उसको क्या मान लेते हैं कि जीरो करंट होगी, है ना। तो टिल कट इन वोल्टेज वो करंट अलाउ नहीं करता, कट इन वोल्टेज के बाद अगर वो फॉरवर्ड बायस मोड में है तो करंट फ्लो कराता है डायोड। तो आप देखते हो हमेशा क्या, तो मैं क्या मानूंगा, हमेशा डायोड को एक स्विच मान लूंगा। स्विच मानूंगा तो स्विच इनिशियली तो ऑफ है, जब तक मैं देखूंगा कि स्विच के ऑन होने की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं तब तक वो ऑन नहीं होगा। तो मैं हर बार डायोड को क्या करूंगा, सर्किट में ओपन सर्किटेड पहले कर दूंगा, उसके दोनों विंडो को खोल दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालूंगा डायोड के अक्रॉस। ओपन सर्किट कंडीशन में वीपी क्या है डायोड का, वीएन क्या है, दैट वीपी माइनस वीएन बताएगा। इफ वीपी इज ग्रेटर देन वीएन तो डायोड तो फॉरवर्ड बायस है, बट इफ वीपी माइनस वीएन इज लेस देन वी गामा तो वो ऑफ है। वीपी माइनस वीएन इज ग्रेटर देन वी गामा देन वो ऑन है। ऑन है तो ऑन की सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा, सिंपल सी नेटवर्क सर्किट बन जाएगी, सारे केवीएल केसीएल लगा के इजीली आंसर। और केवीएल केसीएल भी कितने इफिशियंटली लगाना है वो भी मैं थोड़ा सा आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। नेटवर्क में आपने ऑलरेडी अच्छे से डील किया होगा, जेनेक पे भी अच्छे से आपने डील किया होगा, तो आपको केवीएल केसीएल में मान के चल रहा हूं कि आ रहा होगा। लेकिन मैं छोटे छोटे जो ट्रिक्स यूज करता हूं मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाने की, अगर आप सीख सकते हैं तो सीखिए, अगर आपका मेथड ऑलरेडी अच्छा है आप इजीली कर ले रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो वो सीखने की यहां पे कोशिश करेंगे। और अगर मैंने ओपन सर्किट किया, वीपी इज लेस देन वीएन तब तो रिवर्स बायस है, तो सीधे सीधे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो, वो क्या रहेगा ऑफ। अब तो ये एक डायोड के लिए हो जाएगा, जब एक से ज्यादा डायोड आएंगे तो दो स्टेप प्रोसीजर होगा। दो स्टेप प्रोसीजर कैसे होगा वो अभी पहले मैं एक डायोड पे ये मेथड आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। जब इसके यूज टू हो जाएंगे तो इसी मेथड को दो डायोड या दो से ज्यादा डायोड, एक या एक से ज्यादा डायोड मतलब दो या दो से ज्यादा डायोड के लिए इस मेथड को कैसे यूज करना है। दो स्टेप प्रोसीजर है, आपको कभी गलती ही नहीं करोगे कि कौन सा डायोड ऑन है कौन सा ऑफ, हमेशा करेक्टली निकालोगे। और अगर आपने एक करेक्टली निकाल दिया कि कौन सा डायोड ऑन है कौन सा ऑफ है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता, सिंपल सा नेटवर्क का क्वेश्चन बन जाता है और उसके बाद केवीएल केसीएल लगा के आप कर सकते हो। तो डिफरेंस यही है। इसी तरह से जब मैं बीजेटी और मॉसफेट पढ़ाऊंगा, आप एसी एनालिसिस, आपका नेटवर्क अगर अच्छा है तो एनलॉग अनलॉग में आपको बहुत इजी बना दूंगा। एक बार आपने एसी मॉडल बना लिया उसके बाद केवल नेटवर्क थियरी रह जाती है। एसी मॉडल बनाना मैं सिखा दूंगा कि कैसे मॉडलिंग करना है, उस पर 5-6 एग्जांपल लेके इतने इजीली सिखा दूंगा कि आप कैसा भी सर्किट आएगा आप इजीली मॉडल ड्रॉ कर लोगे। मॉडल ड्रॉ करने के बाद आपको अप्लीकेशन होगा आपके नेटवर्क थियरी का, जितना इफिशियंटली अप्लाई करोगे उतना इजीली आंसर आएगा। यहां पे भी मैं वही चीज आपको सिखाने वाला हूं। तो ये डीसी एनालिसिस डायोड की, इसी को मैं डीसी एनालिसिस बीजेटी में रिलेट कर दूंगा। अगला मैं वही पढ़ाने वाला हूं आपको, बीजेटी का थियरी पार्ट थोड़ा सा मैं कम कवर करूंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है, लेकिन जो न्यूमेरिकल पार्ट जिसमें आपको निकालना होता है कि एक्टिव रीजन में है कि सैचुरेशन रीजन में है, और बिना डीसी एनालिसिस बीजेटी के आप एसी एनालिसिस नहीं सीख सकते क्योंकि हमेशा आपको आईसी जो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट है फाइंड आउट करना पड़ता है फॉर ड्राइंग द एसी मॉडल। एसी मॉडल निकल के वहीं से आता है, जो एसी मॉडल के पैरामीटर्स होते हैं दे कम फ्रॉम
दे कम फ्रॉम डीसी एनालिसिस ऑफ द बीजेटी, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। तो वो यहां अगर ये सीख लिया तो यही चीज मैं बीजेटी में अप्लाई करूंगा और यही लॉजिकल थिंकिंग मैं आपको वहां पर डेवलप करा दूंगा मॉसफेट में। आपके न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगी कि आप कर क्या रहे हो। बेसिकली आप कई बार इन सब डिवाइसेज में ये करते हो कि रैंडमली मान के चल लेते हो कि ऐसा है, फिर आपको कंफ्यूजन होती है। मैं एकदम एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा कि यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो मेथड डेवलप कर लोगे तो आप लॉजिकली देख पाओगे कि हो क्या रहा है, और जब देख पाओगे तो चीजें बहुत सिंपल लगेंगी। अनलॉक बहुत टफ नहीं होता है, एप्लीकेशन ऑफ ईडीसी एंड नेटवर्क है और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन ईडीसी का है और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन नेटवर्क का। अगर ये दोनों आपके अच्छे हैं तो ईजिली मैं आप सारी चीजें सिखा दूंगा। और इलेक्ट्रिकल वालों को घबराने की जरूरत नहीं, उनको डीसी एनालिसिस बस सीखना होगा। डीसी एनालिसिस में बड़े अच्छे से सिखा दूंगा। तो आपको कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन आपको नहीं आते, वो ईसी के लोगों को आते हैं, तो वो लोग ईडीसी को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोगों को उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग आप अच्छी करना चाहते हो एनालॉग में, तो आपको भी थोड़ा बहुत ईडीसी सीखना चाहिए। मेरा ये रिकमेंडेशन है। तो डायोड की मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करने वाला हूं, ना कि डायोड। डायोड मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक मैं डॉर करूं तो अगर अप्रोक्सीमेट लूं तो दैट फॉरवर्ड करंट इज नथिंग बट, अगर फॉरवर्ड बायस है ये तो इतनी करंट फ्लो होती है। क्यों? यहां वीएफ इज अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। और फॉरवर्ड बायस क्या होता है? जब पी इंड इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू एन इंड। कितने वोल्ट से हायर है इट डजंट मैटर, अगर पी इंड को हायर पोटेंशियल पे रख दिया एन इंड के कंपेयर में, दैट डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस एंड यू कैन यूज दिस इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट करंट। बट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ वीएफ दैट इज लेस देन वी गामा, अगर है कैटिन वोल्टेज से कम है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस में है बट नेट वोल्टेज वीपी माइनस वीएन इज लेस देन वी गामा, तो दिस करंट कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ ई टू द पावर इज वेरी स्मॉल, दैट करंट इज वेरी स्मॉल। तो हम प्रैक्टिकल केसेस में उसको क्या मान लेते हैं कि जीरो है जब हम कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। तो देखते हैं ध्यान से। और इन केस ऑफ रिवर्स बायस आई इज इक्वल टू नथिंग बट आई नॉट एंड दैट माइनस आई नॉट, वाई माइनस आई नॉट बिकॉज दिस करंट फ्लोज फ्रॉम एन टू पी। तो डायोड में ये चीज एक और याद रखना, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं आपने पढ़े होंगे लेकिन आपको दिमाग में बैठा के रखने। कैसे? एन टू पी जो करंट होती है वो हमेशा रिवर्स बायस करंट होती है एंड दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड हमेशा डायोड किस डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है इससे क्या पता चला, पी टू एन। अगर करंट से मुझे पता करना डायोड ऑन है कि ऑफ है, तो अगर पी टू एन एक सफिशियंट करंट फ्लो हो रही है 1 mA 2 mA देन दैट डायोड इज ऑन। लेकिन आपने अगर निकाला करंट आ रही है 2 mA की लेकिन एन टू पी आ रही है, तो एन टू पी तो डायोड करंट अलाउ ही नहीं करता। वो कितनी करंट एन टू पी फ्लो करा सकता है रिवर्स बायस में? I नॉट के बराबर, दैट नैनो एम्पियर करंट, उससे ज्यादा करंट वो अलाउ नहीं कर सकता। और आइडियल केस में इस करंट को क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। तो अभी तो मैं क्या बना रहा हूं आपको, एक नॉर्मल प्रैक्टिकल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, फिर इसको क्या कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, एक आपको जो प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेशन है उनको कर दूंगा, फिर एक आइडियल डायोड। तो प्रैक्टिकल डायोड अप्रोक्सीमेशन वाला और आइडियल डायोड, यही दोनों केस आपके एग्जाम में आते हैं। उसको कैसे चेक करना मैं क्वेश्चन के थ्रू अभी सिखाने वाला हूं, और ये आगे जो सेशन आने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, चीजें कितनी सिंप्लीफाई हो सकती हैं मैं यहां सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। आपने चीजें सब पढ़ी होंगी लेकिन मेरा काम यहां फिर क्या है, आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना, चीजों को इजी बनाना, ताकि एग्जाम में प्रेशर ना हो दिमाग पर ज्यादा, क्वेश्चन इजीली बने ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो अगर ये वोल्टेज V है, V किसको मैं मान रहा हूं, दिस वोल्टेज V इज पी टू एन वोल्टेज मान रहा हूं, तभी पी टू एन वोल्टेज पॉजिटिव कब होगा, जब वो फॉरवर्ड बायस होगा। और इस रीजन में क्या हो गया वो, फिर दिस रीजन इज रिवर्स बायस, क्योंकि ये जो वोल्टेज V मैंने लिया है ये नथिंग बट वीपी माइनस वीएन वोल्टेज लिया है। अगर ध्यान से देखोगे तो, अगर एक्चुअल में जो ग्राफ बनता है ना, चीजों को एनालाइज किया करो, देखा करो, तो अगर वीपी माइनस वीएन निगेटिव है तो इधर आएगा, और वीपी माइनस वीएन निगेटिव कब होगा, जब एन का वोल्टेज ज्यादा होगा वीएन और वीपी क्या होगा कम, देन दैट विल बी रिवर्स बायस। और इस रीजन में वो किस तरह से है, दिस रीजन इज राइट हाफ इज फॉरवर्ड बायस रीजन एंड दिस रीजन इज रिवर्स बायस, है ना। और यहां पे मैंने करंट आई दिखाई जो फ्लो हो रही है, तो किसको आई को मैं पॉजिटिव मानूंगा, जो करंट पी टू एन फ्लो होगी दैट करंट विल बी पॉजिटिव, और जो करंट एन टू फ्लो होगी उसको मैं क्या मानूंगा, निगेटिव। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जब मैंने प्लॉट किया था, अगर आपने देखा होगा ईडीसी वाले पार्ट में, तो एन टू पी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैंने नीचे दिखाया था ना, वाई एक्सिस पे नीचे, क्योंकि निगेटिव माना था मैंने उसको, ठीक है। वही अगर पॉजिटिव होता इस डायरेक्शन में तो उसको मैं क्या मानता, एन टू पी अगर इस डायरेक्शन में होता तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में तो निगेटिव। ये पी एन जंक्शन है, ठीक, पी एन जंक्शन, क्लियर, पी एन एन,
यहां जंक्शन पे डिप्लीशन हो गया वो आप देख लेना। तो इस फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे फ्लो हो रही है, दैट करंट इज एक्सपोनेंशियल करंट। Vf के साथ उसका कैसा रिलेशन है, यही वोल्टेज Vf हो गया है ना। V के साथ उसका कैसा रिलेशन है, दैट रिलेशन इज एक्सपोनेंशियल रिलेशन। एंड इन केस ऑफ रिवर्स बायस करंट इज मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल एंड मैग्नीट्यूड इज माइनस, है ना। ये करंट n टू p है, जबकि ये करंट p टू n को अगर पॉजिटिव मानोगे तो n टू p को निगेटिव, तो मैग्नीट्यूड इधर पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में, y पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, y निगेटिव। I की वैल्यू क्या है, y एक्सिस पे दिखा रहा हूं, दैट मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव। एंड दिस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, दिस करंट इज नथिंग बट I नॉट माइनस I नॉट। तो ये प्रैक्टिकल ग्राफ है, ये क्या है, प्रैक्टिकल ग्राफ। लेकिन जब हम आइडियल इसी को बनाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को, यही बगल में बना रहा हूं। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक या प्रैक्टिकल को अप्रोक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक, यही दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को मैं समराइज करने जा रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक समराइज कर दूंगा, जब कैरेक्टरिस्टिक समराइज कर दूंगा फिर सीधे एक एग्जाम्पल से आपको जो मैं अपना मेथड सिखाने वाला हूं वो सीधे एग्जाम्पल से लेके दिखाऊंगा कि जो रेजिस्टेंसेज यूज होते हैं डायोड सर्किट में वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं रेजिस्टेंसेज की वैल्यू को मैं वैरी करके उसी डायोड को ऑन भी कर सकता हूं, उसी डायोड को ऑफ, आपके वोल्टेजेस जो लगे हैं कितने इंपॉर्टेंट है उनको बढ़ा घटा के मैं उसी सर्किट को ऑन कर सकता हूं, उसी सर्किट को ऑफ। तो एक सिंपल से एग्जांपल से मैं सारी चीजें रिलेट करने की कोशिश करूंगा आपको, तो आप इजीली सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसी को अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, कैसे अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, आई और वी क्या है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आई और वी क्या है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं स्लोप निकालूं, यहां पे मैं स्लोप निकालूं, देखो अलग अलग स्लोप, स्लोप क्या देगा बताओ, टैन थीटा, टैन थीटा नथिंग बट वाई बाई एक्स, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं निकालूं, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, ध्यान से चीजों को मैथमेटिकली एनालाइज करने की कोशिश किया करो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी चीजें। I by V क्या देगा, कंडक्टेंस देगा कि रेजिस्टेंस देगा, कंडक्टेंस देगा। तो अगर ध्यान से देखो, ये स्लोप कम है मतलब I by V कम है, यहां स्लोप ज्यादा है तो I by V ज्यादा है, यहां स्लोप और ज्यादा तो I by V और ज्यादा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे I by V ज्यादा मतलब V by I क्या, I by V कम, यहां पे स्लोप कम तो V by I क्या ज्यादा, यहां पे मतलब रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा है, di by dv कंडक्टेंस दे रहा है और उसका उल्टा क्या देगा, dv by di रेजिस्टेंस। तो यहां कंडक्टेंस कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, यहां कंडक्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा कम हो गया पहले से कंडक्टेंस, क्योंकि स्लोप बढ़ गया di by dv, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। यहां पे देखो कंडक्टेंस और बढ़ गया, di by dv और ज्यादा हो गया, तो रेजिस्टेंस और कम हो गया। मतलब अगर डायोड को ध्यान से देखो तो इसका रेजिस्टेंस अलग अलग पॉइंट पे क्या है, अलग अलग है, इसी को डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मैं di by dv डिफरेंशिएशन से निकालूं dv by di या di by dv, तो दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक रेजिस्टेंस या डायनेमिक कंडक्टेंस, आपने पढ़ा होगा। तो जब डायोड की एसी एनालिसिस पढ़ेंगे तो दिस कम्स इनटू पिक्चर, कौन सा एक डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है और एक स्टैटिक, और स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूं तो दैट इज कॉल्ड एज di by dv डायनेमिक कंडक्टेंस और उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस। अगर इस पॉइंट पे i की वैल्यू मुझे पता है, इस पॉइंट पे v की वैल्यू पता है, अगर मैं ये कह दूं v1 है, ये कह दूं i1, अगर इस पॉइंट पे मैं v1 by i1 निकालूं या i1 by v1, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस। एंड स्लोप एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नथिंग बट डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा जब आप एसी एनालिसिस पढ़ोगे डायोड की, वो मैं एनालॉग में आपको कवर करने की कोशिश करूंगा, और उस पे बड़े सिंपल से आधे आधे पेज वाले क्वेश्चन आए जिसमें वैल्यू रख के आंसर आ सकता है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए चीजें डायोड की एसी एनालिसिस, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। अब देखो हम अप्रोक्सीमेट क्या कर रहे हैं, अब इसी में कट इन वोल्टेज आता है। कट इन वोल्टेज क्या है, अगर मैं मान लो V1 वोल्टेज लगाता, डायोड को फॉरवर्ड बायस करता V1 वोल्टेज से, तो यहां पे ये सफिशिएंट करंट है, इनिशियली बहुत स्मॉल करंट होती है, एक्सपोनेंशियली तो होती है, तो इस करंट को हम ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं, दिस करंट इज वेरी स्मॉल, इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेट कहते हैं ना। तो कट इन वोल्टेज की डिफिनीशन क्या होती है, V1 वोल्टेज लगाने पे I1 करंट फ्लो होगी, लेकिन क्या V1 लगाते ही I1 फ्लो होने लगेगी, हर सिस्टम को अपने स्टेडी स्टेट या I1 वैल्यू पे जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे V1 कनेक्ट करोगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद, वो वहां पे करंट I1 फ्लो होने लगेगी, अब हमेशा I1 फ्लो होती रहेगी जब तक V1 वोल्टेज लगेगा। तो ये यहां से बढ़ के सीधे जाएगा I1 वैल्यू पे, जीरो से बढ़ते हुए करंट फिर अपनी स्टेडी स्टेट I1 में पहुंचेगी। तो वो वोल्टेज वी गामा कट इन वोल्टेज क्या होता है, वो वोल्टेज जिस पे स्टडी, वो वोल्टेज
जिस पे जो करंट है, जो करंट है आई टू कह दो, वो वोल्टेज कट इन वोल्टेज कहलाता है, जिस पे करंट स्टेडी स्टेट करंट की 10% फ्लो होती है, जस्ट करंट पास ऑन होती है जिस पे, तो वी गामा वो वोल्टेज है। जैसे वी वन वोल्टेज लगाया तो अगर आई वन करंट फ्लो होनी है तो आई वन करंट पहुंचने के पहले एक अपने 10% वैल्यू को भी क्रॉस करेगी, ये क्या है 0.1 I1। जैसे 0.1 I1 जिस वैल्यू पे फ्लो होती है, जो वोल्टेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज। तो कट इन वोल्टेज पे क्या होती है, वेरी वेरी स्मॉल करंट फ्लो होती है। अब अगर आपने वोल्टेज कट इन वोल्टेज या कट इन वोल्टेज से कम ही लगाया तो दैट करंट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन निग्लेक्ट इट। ठीक है, तो कट इन वोल्टेज की एक ये डिफिनेशन है कि स्टेडी स्टेट वैल्यू, करंट की जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है उसका जब वो 10% पॉइंट क्रॉस करती है, दैट पॉइंट अगर उसका पॉइंट उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकालें तो दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज नथिंग बट कट इन वोल्टेज, एक वैल्यू को क्रॉस करे। जैसे आप राइज टाइम और वो सब चीजें डिफाइन करते हो ना, राइज टाइम, उसी तरह से ये डिफिनीशन है। तो इसको छोड़ते हैं। आप देखो यहां पे हमने देखा कि रेजिस्टेंस तो हर पॉइंट पे अलग अलग है, लेकिन पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी स्मॉल है, ये रेजिस्टेंस और स्मॉल है, ये रेजिस्टेंस और स्मॉल है। तो फॉरवर्ड बायस जब डायोड हो जाता है तो द रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उस स्मॉल में जो वेरिएशन है थोड़ा बहुत, उसको हम क्या मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि वो वेरिएशन ऑलमोस्ट जीरो है और रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल है। जैसे मैं कहूं यहां पे रेजिस्टेंस आया मान लो 100 ओम, यहां पे आ गया 95 ओम, यहां पे आ गया क्या 93 ओम, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली मान सकता हूं 96-97 ओम। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे क्या कर सकता हूं मैं, उसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू से लीनियर कर सकता हूं। जबकि रेजिस्टेंस ये लीनियर डिवाइस है क्या, ये नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि आई और वी का रेशियो क्या है, आई और वी में एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, इसी को इस लीनियर एलिमेंट कहते हैं। जैसे आप रेजिस्टेंस लेते हो, रेजिस्टेंस इज ए लीनियर एलिमेंट बिकॉज वी आई, वी बाई आई इज नथिंग बट ए कॉन्स्टेंट आर, जबकि यहां आई इज इक्वल टू ई टू द पावर क्यू वी एफ अपॉन के टी है। तो यहां पे जब डी आई बाई डी वी निकालोगे, यहां डी वी बाई डी आई निकालोगे कॉन्स्टेंट आएगा स्लोप, यहां डी आई बाई डी वी निकालोगे तो ये फिर से वोल्टेज का फंक्शन आ जाएगा। मतलब ये नॉन लीनियर एलिमेंट है, इसका अलग अलग पॉइंट पे रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। अगर इसका थ्रू आउट रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता, जैसे वी आई कैरेक्टरिस्टिक मैं खींचू इसके लिए, अगर मैं ले लूं ये वी और ये आई, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी आएगी, इसका हर जगह वी और आई के बीच में ग्राफ जो होगा, जो वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा, तो इसको कहते हैं लीनियर एलिमेंट। जबकि ये कैसा एलिमेंट है, नॉन लीनियर एलिमेंट, क्योंकि इसका स्लोप वी बाई आई अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, ये नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, लेकिन जो स्लोप अलग अलग तो है, लेकिन जो स्लोप है उसमें जो वेरिएशन है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, एक जगह 100 ओम है अगर रेजिस्टेंस तो यहां पे 95 ओम, यहां पे 94 ओम, यहां पे 93 ओम, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर दूंगा पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो मैं जब इसी को ग्राफ बनाऊंगा तो वी गामा वोल्टेज तक देखो जो करंट थी दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको मैं क्या मान लूंगा, लीनियर अप्रोक्सीमेशन में जीरो। वी गामा तक तो ये जीरो करंट फ्लो करा रहा है, वी गामा के बाद जो करंट है वी के साथ कैसे बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी, जबकि यहां पे नॉन लीनियरली बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, और इसका स्लोप जो है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। और ध्यान से देखो, अगर वी हाई है तो रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि डी आई बाई डी वी बहुत ज्यादा है, डी वी बाई डी आई बहुत कम है। तो जितना वोल्टेज ज्यादा है रेजिस्टेंस उतना कम है, जितना वोल्टेज कम है उतना रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। डायोड में कम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाओगे तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ज्यादा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाओगे तो कम रेजिस्टेंस। लेकिन हमने उन सबको हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या मान लिया, आप सेम, यहां पे स्लोप निकालो चाहे यहां पे, ये देखो अगर स्लोप निकालोगे यहां यहां पे टेन थीटा, यहां पे टेन थीटा, यहां पे हर जगह सेम होगा। अब डी आई बाई डी वी इस पॉइंट पे भी वही है, डी आई बाई डी वी इस पॉइंट पे भी वही है, डी आई बाई डी वी इस पॉइंट पे भी वही है, डी वी बाई डी आई भी फिर कांस्टेंट हो जाएगा और डी वी बाई डी आई, तो इसका स्लोप क्या देगा आपको, डी आई बाई डी वी, डी आई बाई डी वी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, तो इसका स्लोप देगा आपको 1/RF। दिस आर एफ इज कॉल्ड एज नथिंग बट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। ये कब है, ये फॉरवर्ड बायस डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो रेजिस्टेंस यहां होगा इसका स्लोप है आई बाई वी, हमें चाहिए रेजिस्टेंस के लिए वी बाई आई, तो आई बाई वी क्या होगा 1/RF, वी बाई आई अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ है तो आई बाई वी क्या है 1/RF, तो इसका स्लोप क्या है 1/RF, इसका वोल्टेज क्या है वी गामा। और रिवर्स बायस में हम क्या मान लेते हैं, जो आई नॉट करंट है इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो ये अब
कई लोग क्या कहते हैं कि वी गामा के बाद ये फॉरवर्ड बायस है, ये कॉन्सेप्शन मिसकॉन्सेप्शन है। अगर वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, मतलब वीपी माइनस वीएन अगर जीरो से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, और अगर लेस है तो ये रिवर्स बायस है। लेकिन फॉरवर्ड बायस होते हुए भी तुरंत ऑन नहीं होता है, वी गामा तक करंट जीरो फ्लो होती है, जीरो करंट मतलब ऑफ स्टेट, और उसके बाद जब वोल्टेज बढ़ाते हैं फॉरवर्ड बायस में तो करंट लीनियरली बढ़ती है, किसके साथ, वोल्टेज के साथ, एंड दैट रिलेशन, लीनियर रिलेशन इज नथिंग बट दैट स्लोप इज 1/RF अगर इस ग्राफ से निकालें तो ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हमने पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर दिया, किसका, एक प्रैक्टिकल डायोड का। तो रिवर्स बायस में कोई भी डायोड हो हमेशा करंट आपको क्या लेनी है, जीरो, और करंट जीरो होती है तो ओपन सर्किट होता है, वोल्टेज जीरो होता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा। और लेकिन फॉरवर्ड बायस में भी तुरंत ऑन नहीं होगा, वी गामा वोल्टेज के बाद ये ऑन होगा। तो ये पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन हो गया, किसका, आपका इसका, और यही सर्किट आपके प्रैक्टिकल डायोड के केस में यूज होनी है, ये वाला नहीं यूज होना है। तो इसका अभी मैं बनाता हूं चीजें, एक और मैं कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, एक और कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक और कैरेक्टरिस्टिक, इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में वो दे देंगे कि वी गामा भी जीरो है और दैट रेजिस्टेंस RF इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है क्या, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है, जब वी गामा जीरो है रिवर्स बायस में तो करंट क्या फ्लो होगी, जीरो ही फ्लो होगी, रिवर्स बायस में करंट क्या फ्लो होगी, जीरो ही फ्लो होगी, ये जीरो करंट है, ये जीरो। और फॉरवर्ड बायस में जैसे वीपी माइनस वीएन इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट सडनली इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस जीरो है तो रेजिस्टेंस जीरो के केस में क्या होगा, I by V क्या होगा, V by I जीरो है तो I by V क्या होगा, इन्फिनिटी, मतलब tan 90 कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, तो दैट, अब ये करंट इस एक्सिस पे कुछ भी हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इस तरह से दिखा रखा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, एकदम आइडियल, कट इन वोल्टेज जीरो, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज जीरो, और रिवर्स बायस के केस में इट्स, तो जब भी ये आइडियल डायोड आएगा फॉरवर्ड बायस होगा तो, फॉरवर्ड बायस होगा तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, और रिवर्स बायस होगा तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओपन सर्किट से, क्योंकि वी गामा क्या हो गया, जीरो हो गया, वी गामा जीरो हो गया, ठीक है। तो अब देखो दो तीन पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना, इसके बाद क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा इसमें से और डिटेल में, मतलब आपके क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना होगा जब भी डायोड का आएगा, वो कहेगा डायोड इज आइडियल, मतलब अगर और कुछ भी नहीं कहा है तो वी गामा जीरो है, मतलब कट इन वोल्टेज जीरो है, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF जीरो है, और रिवर्स रेजिस्टेंस या रिवर्स बायस रेजिस्टेंस RB या रिवर्स रेजिस्टेंस RR कह सकते हो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब अगर वो रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट कर दोगे आइडियल डायोड को, अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो रेजिस्टेंस उसका क्या है, जीरो है, और उसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप वी गामा भी क्या है, जीरो है, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से, आप ऐसा करते होगे, आपने पढ़ा होगा, वो इसी वजह से आता है, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। अब दूसरा केस आएगा प्रैक्टिकल डायोड का, अब प्रैक्टिकल डायोड में क्या क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल डायोड में भी पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन का ही केस आएगा आपको, एक्सपोनेंशियल वाला केस आपको अगर आएगा तो उसमें तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है एक्सपोनेंशियल वाले इक्वेशन में, आंसर आ जाएगा, इसलिए जो आपका क्वेश्चन आता है नॉर्मली पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन का, जिसमें लीनियर रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज RF, तो अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो कहेगा कि डायोड इज प्रैक्टिकल डायोड विथ कट इन वोल्टेज वी गामा इज इक्वल टू 0.7 एंड अदरवाइज डायोड इज आइडियल। अब अदरवाइज डायोड इज आइडियल का क्या मतलब हो गया, दिस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट जीरो, आइडियल डायोड के केस में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो, और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी, तो वी गामा केवल 0.7 वोल्ट है, प्रैक्टिकल डायोड है, मतलब कट इन वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट बट इट्स फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज जीरो प्रैक्टिकल केस में, या प्रैक्टिकल केस में दोनों चीजें दे सकता है कि वी गामा आपका 0.7 वोल्ट है और RF की वैल्यू 10 ओम 20 ओम 50 ओम जो भी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है वो दे देगा। तो अगर RF नहीं गिवन है आपके क्वेश्चन में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, मतलब उसको क्या लेना है, हमेशा आइडियल वैल्यू लेना है जीरो, केवल कट इन वोल्टेज गिवन है तो कट इन वोल्टेज यूज करोगे, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को जीरो मान लोगे, और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस हमेशा ही इन्फिनिटी लेना है, चाहे वो प्रैक्टिकल डायोड हो चाहे आइडियल डायोड हो कुछ भी हो, हर जगह हमने जीरो दिखाया, ठीक है। तो प्रैक्टिकल डायोड में वी गामा और RF दोनों गिवन हो सकता है, वी गामा केवल गिवन होगा, RF नहीं गिवन होगा तो RF को जीरो लेना है, तब ये कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो जाएगी, RF जीरो मतलब RF जीरो 1/RF कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 1/
RF ही है, तो 1 अपान RF क्या हो गया, इन्फिनिटी, मतलब 10 90, तो एक ग्राफ कैसा हो जाता, अगर प्रैक्टिकल डायोड होता V गामा तो होता, लेकिन RF जीरो होता तो ये लाइन इस तरह से बन जाती है और कुछ नहीं। अगर RF को बहुत घटाते जाओ 1 अपान RF बढ़ता जाएगा, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक इस तरफ आती जाएगी, इस तरफ आती जाएगी, और RF टेंडिंग टू जीरो पे ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, है ना। तो ग्राफ से थोड़ा सा चीजें रिलेट किया करो, तो ये 2-3 पॉइंट्स आएंगे। अब मैं डायोड को लेता हूं, देखो ध्यान से, अब डायोड को लेने जा रहा हूं और जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन लेंगे, फॉरवर्ड बायस में वी गामा और आर एफ आप ले सकते हो, आर एफ नहीं गिवेन है तो जीरो लोगे, और वी गामा भी नहीं गिवेन है तो दोनों जीरो जीरो ले लोगे, आइडियल डायोड मानोगे। और रिवर्स बायस में तो हमेशा इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है, दैट इज ओपन सर्किट, आई नॉट को हमेशा जीरो मान सकते हो। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे कैसे पता करोगे, अगर आपको ये पता चल जाए किसी भी इक्वेशन में कि डायोड फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस की सर्किट से उसको रिप्लेस कर दो, रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस की सर्किट से, फिर वो एक नॉर्मल सी नेटवर्क सर्किट बन जाएगी, फिर आपको कुछ भी निकालना हो सिंपल केवीएल केसीएल लगा के निकाल सकते हो, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। तो आप पहला केस पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बायस है तो कैसे उसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, और ये चीजें मैं बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाता जाऊंगा, आप सब कुछ इजीली सीखने वाले हो, नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स लेकिन मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। मैं हमेशा क्या करूंगा, डायोड को ओपन सर्किट कर दूंगा, क्योंकि वो एक स्विच है, स्विच की जब तक ऑन होने की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो ऑन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो जब तक वो ऑन नहीं है वो क्या है, ऑफ है, ऑफ में वो क्या होता है, ओपन सर्किटेड होता है, क्योंकि उससे कोई करंट फ्लो नहीं होती स्विच से, ठीक है। तो इसीलिए मैं डायोड को करूंगा ओपन। ओपन सर्किट के केस में क्या करूंगा, एक डायोड मैंने लिया, इसके इंड जब भी सर्किट में लगा होगा डायोड के दोनों इंड्स को मैं ओपन कर दूंगा, और ये वाला इंड वीपी होगा, ये वाला इंड वीएन होगा। अब मैं देखो कैसे चेक करूंगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस है, डायोड को ओपन सर्किट करके चेक करना है, अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा, आप सब सीख जाओगे। डायोड नेटवर्क में लगा होगा बहुत सारे, तो डायोड के इस इंड से कनेक्शन हटा दो, इस इंड से डायोड ओपन सर्किटेड हो गया, मतलब कोई करंट नहीं जा रही है ना, यहां पे ये वाला कनेक्शन लूज कर दो, यहां ये वाला कनेक्शन, आगे जो भी लगाओ ये ओपन सर्किटेड हो गया। ओपन सर्किटेड डायोड का मैं क्या निकालूंगा, ओपन सर्किटेड में मैं निकालूंगा वीपी और वीएन निकालूंगा, इस पॉइंट का वोल्टेज निकालूंगा, इस पॉइंट का। ओपन सर्किट के केस में करंट जीरो होती है, वोल्टेज जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन करंट गारंटीड है जीरो होगी। और शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा जीरो होता है, लेकिन करंट कुछ भी फ्लो हो सकती है, आपने पढ़ा होगा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कंडीशन, है ना। तो वो सारी चीजें आपको रिलेट करनी है, अब उसको मैं आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन में उसको यूज करना सीखो, चीजों को एनालाइज करना सीखो, ऐसा नहीं कि डिस्क्रीटली कहीं पढ़ लिया, बस पढ़ लिया वो वहीं यूज करूंगा, कहीं और जरूरत पड़ेगी तो मैं तो यूज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना। चीजों को रिलेट करो, चीजों को इंटर रिलेट करो, चीजों से सीखो, उसका एप्लीकेशन सीखो, चीजें फिर सिंपल होती जाती हैं। मैं क्या निकालूंगा, ओपन सर्किट के केस में वीपी निकालूंगा, ओपन सर्किट के केस में वीएन निकालूंगा, फिर क्या निकालूंगा, वीपी माइनस वीएन इन केस ऑफ ओपन सर्किट, वीपी माइनस वीएन क्या निकालूंगा इन केस ऑफ ओपन सर्किट। अगर ये मिल गया ग्रेटर देन जीरो, इफ ग्रेटर देन जीरो, इससे नहीं निकालेंगे, ग्रेटर देन जीरो नहीं लेते हैं, सिंपली ओपन सर्किट के केस में मैंने वीपी निकाला और ओपन सर्किट के केस में मैंने वीएन निकाला। तो अब पहला केस पढ़ते हैं ध्यान से, अगर इफ आपको क्या मिला, वीपी इज ग्रेटर देन वीएन मिल गया, वीपी इज क्या मिल गया, ग्रेटर देन वीएन, ओपन सर्किट में हमने वीपी निकाला, ओपन सर्किट के केस में वीएन निकाला। तो ध्यान से इसको सुनो जो बता रहा हूं, फिर अभी क्वेश्चन अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के थ्रू मैं चीजें शुरू करूंगा, आप बहुत ज्यादा इसको एंजॉय करने वालों, क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें इतनी क्लियर कर दूंगा कि आपको डाउट ही नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन उठा के दोगे मैं उसी मेथड से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इफ वीपी इज ग्रेटर देन वीएन तो कैसा हो गया डायोड, तो मुझे यह पता चला केवल डायोड इज फॉरवर्ड बायस, कितने वोल्टेज से ज्यादा, अभी ये सब मैंने नहीं निकाला, वीपी का और वीपी और वीएन साइन के साथ लोगे, अगर वीपी माइनस टू है और वीएन माइनस 2.5 है तो माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस 2.5, तो ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड प्लस साइन दोनों कंसीडर करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस 2 वोल्ट है कि प्लस 2 वोल्ट है, यहां साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल के केस में, ठीक है। तो साइन के साथ लेंगे, डायोड इज फॉरवर्ड बायस, साइन के साथ अगर वीपी इज ग्रेटर देन वीएन है तो डायोड इज फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस है तो वो ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है, क्यों,
क्योंकि कट इन वोल्टेज तक तो फॉरवर्ड बायस के केस में भी करंट जीरो फ्लो होती है, और जीरो करंट का क्या मतलब, वो ओपन सर्किट है, एक तरह से वो ऑफ ही है जब करंट ही नहीं फ्लो हो रही है ना। तो अब इसमें आएगा, इसमें एक केस आएगा, पहला तो ये होना चाहिए कि वीपी मस्ट बी ग्रेटर देन वीएन फॉर डायोड टू बी फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में वो ऑन होकर करंट फ्लो भी करा सकता है और ऑफ भी रह सकता है। रिवर्स बायस होता तो सीधे सीधे वो ऑफ ही रहता है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट जीरो ही फ्लो होती है, उसमें दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते। जबकि फॉरवर्ड बायस में क्या है, कुछ दूर करंट नहीं फ्लो होती, ये वाला रीजन फॉरवर्ड बायस, फिर करंट फ्लो होती, जबकि रिवर्स बायस में हमेशा करंट क्या फ्लो होती है, जीरो। इसीलिए फॉरवर्ड बायस में पहले तो चेक किया वीपी ग्रेटर देन वीएन है तो फॉरवर्ड बायस है, तो वीपी ग्रेटर देन वीएन है तो वीपी माइनस वीएन पॉजिटिव आएगा कि नहीं बताओ, आएगा। इसको इस तरफ लाओगे, वीपी माइनस वीएन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ओपन सर्किट के केस में भी हम सब देख रहे हैं, ओपन सर्किट में हमने वीपी निकाला, वीएन, अगर वीपी ग्रेटर देन वीएन है वो तो देख के पता चल जाएगा, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि आप इस चीज को नोट डाउन कर लो कैसे करना है, ठीक है। तो वीपी ग्रेटर देन वीएन मिला तो डायोड इज फॉरवर्ड बायस, वीपी माइनस वीएन क्या होगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के केस में वीपी माइनस वीएन निकालूं, अगर ये मिल गया क्या, लेस देन जीरो, ये लेस देन क्या मिल गया, वी गामा, वी गामा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये लेस देन वी गामा मिला तो क्या है, डायोड अभी ऑन है कि ऑफ है, यहां से बताओ। जब तक वीपी माइनस वीएन, फॉरवर्ड बायस होना इज नॉट सफिशियंट, जब तक वी गामा से कम होगा वीपी माइनस वीएन, ये हमने ये वी क्या लिया था, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, मतलब वीपी माइनस वीएन के अक्रॉस नेट पोटेंशियल, डायोड के अक्रॉस नेट पोटेंशियल क्या होता है, वीपी माइनस वीएन। अगर ये पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायस, लेकिन जब तक वीपी माइनस वीएन वी गामा से कम है, देखो इस पॉइंट पे वी गामा है, वी गामा से कम है कि नहीं, वीपी माइनस वीएन फॉरवर्ड, करंट क्या फ्लो रे, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, डायोड इज ऑफ, फॉरवर्ड बायस होते हुए भी डायोड इज ऑफ, एंड आप क्या इसको रिप्लेस कर दोगे, एक ओपन सर्किट से, जब करंट ही नहीं जाएगी, करंट जीरो जा रही है, तो इसको रिप्लेस किससे कर दोगे, डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दोगे। उसके बाद सिंपल सा नेटवर्क का क्वेश्चन, बाकी रेजिस्टेंसेस बचेंगे, बाकी वोल्टेजेस बचेंगे, करंट वोल्टेज जहां पूछेगा निकाल लेना है। ओपन सर्किट हो गया तो इससे करंट जीरो जा रही है, लेकिन ओपन सर्किट डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है कि नहीं, ओपन सर्किट के क्रॉस करंट जीरो होती, वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। तो कई बार आपको डायोड के क्रॉस वोल्टेज पूछ लेंगे, उससे करंट तो जीरो फ्लो हो रही होगी, लेकिन डायोड के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो, और वो वोल्टेज क्या आएगा, वी गामा से कम आएगा, क्योंकि ये क्या है, डायोड ऑफ है, डायोड ऑफ है तो वी गामा से कम ही आना चाहिए। अगर वी गामा से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो ऑफ कैसे कर सकते हो, तब तो करंट फ्लो होगी ना ओपन सर्किट के केस में, ठीक है। अब बी केस क्या आया, अगर वीपी माइनस वीएन, जो ओपन सर्किट में निकाला तुमने वोल्टेज, वीपी माइनस वीएन का डिफरेंस जो पॉजिटिव है, और ग्रेटर देन क्या मिल जाए, वी गामा, तो डायोड इज ऑन। अब यहीं से गेम शुरू हो गया, ज्यादातर यही मिलेंगे, डायोड इज ऑन। अब जैसे डायोड ऑन होगा, डायोड विल बी रिप्लेस बाय इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे रिप्लेस करेंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मान लो डायोड का ये एंड पी था नेटवर्क में, और ये एंड एन था, इसी तरह से डायोड लगा हुआ था, और आपने VP माइनस VN ओपन सर्किट में जब निकाला, VP और VN, VP ग्रेटर देन VN मिला, और साथ में VP माइनस VN ग्रेटर देन ओपन सर्किट में V गामा से, ये वाला केस सेटिस्फाइड है। फिर आप ये वाला केस A चेक कर रहे हो, B वाला केस ये चेक कर रहे हो, VP माइनस VN तो ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन साथ में V गामा से भी ज्यादा है, VP माइनस VN ग्रेटर देन जीरो है तो ओपे फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में ये V गामा से भी ज्यादा वोल्टेज है, तो यहां करंट फ्लो होने लगती है ना। ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू पे तो करंट जस्ट, अगर मान लो वीपी माइनस वीएन कोई कहे इक्वल टू वी गामा है, तो ये ऑन है क्या, ऑन अगर तुम मान भी लोगे तो देखो करंट वीपी माइनस वीएन की वैल्यू अगर वी गामा के बराबर हो तो उस समय करंट कितनी फ्लो होती है, जीरो। तो वीपी माइनस वीएन अगर ग्रेटर देन जीरो है और साथ में वी गामा के इक्वल है, तब भी करंट जीरो फ्लो होती है। जब वो ग्रेटर देन वी गामा होता है तब एक्चुअल में करंट पास होना शुरू होती है, तभी करंट आप कैलकुलेट करते हो, ध्यान से देखना है ना। तो ओपन सर्किट में वी गामा से ज्यादा मिला और डायोड इस तरह से लगा हुआ था सर्किट में, तो इट विल बी रिप्लेस बाय व्हाट, इट विल बी रिप्लेस बाई ए बैटरी, आप वी गामा वोल्ट बैटरी, वी गामा वोल्ट की बैटरी लगाओगे, और साथ में अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवेन है तो सीरीज में क्या लगाओगे, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अगर यही कर्व गिवेन होता तो यहां से 1/RF पता चलता है स्लोप से, और स्लोप का रिवर्स कर देते तो RF पता चल जाता। तो कैसे रिप्लेस करोगे, इट विल बी रिप्लेस बाय ए वी गामा वोल्ट बैटरी, कट इन वोल्टेज के बराबर की एक बैटरी लगेगी। अब बैटरी में तो एक पॉजिटिव इंड होता है, एक नेगेटिव इंड, बैटरी कैसे लगाओगे, पोलैरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जब फॉरवर्ड बायस है, मतलब क्या है, P
पी इंड का पोटेंशियल एन इंड से ज्यादा है, तो अब जब वो और फॉरवर्ड बायस होते हुए वो ऑन भी है, वी गामा से ज्यादा है वीपी माइनस वी एन, तो जब ये रिप्लेस होगा वी गामा वोल्ट की बैटरी से, तो बैटरी का पॉजिटिव इंड विल बी ऑन पी साइड एंड निगेटिव इंड इन ऑन विल बी एन साइड। हमेशा याद रखना फॉरवर्ड बायस है तो पी इंड एट हायर पोटेंशियल, एन इंड एट लोअर, तो जो वी गामा वोल्ट की बैटरी आएगी फॉरवर्ड बायस के केस में, जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे वी गामा वोल्ट की बैटरी विद पॉजिटिव इंड एट पी साइड विद निगेटिव इंड एट एन साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीरीज में साथ में क्या आ जाएगा आर एफ। तो ये डायोड हटा के ये सर्किट लगा दोगे इसकी जगह, ये आपका आ जाएगा। अगर यही डायोड ये वाला केस सेटिस्फाई होता और डायोड आपका इस तरह लगा होता सर्किट में, ये इंड पी और ये इंड एन, तो आपको फिर से रिप्लेस करना पड़ता वी गामा वोल्ट की बैटरी, ये वी गामा वोल्ट की बैटरी है, और बैटरी का मतलब क्या होता है अभी मैं फिर से समझाऊंगा, अभी इलेक्ट्रिकल वालों ने यहां से देखना शुरू किया होगा तो उनको फिर से समझाऊंगा वी गामा वोल्ट की बैटरी या 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूं। छोटे छोटे पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में पहले समझाऊंगा, फिर डायोड के क्वेश्चन करना शुरू करूंगा, है ना, क्या क्या चीजें आपको डायरेक्टली करनी है, नेटवर्क के कुछ पॉइंट्स जो मैं यूज करता हूं क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा फिर क्वेश्चन सीखेंगे। तो पहले ये देख लो, पी इंड अगर यहां पे एन इंड और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वीपी माइनस वी एन इज ग्रेटर देन वी गामा, फॉरवर्ड बायस है, तो इट विल बी रिप्लेस बाय वी गामा वोल्ट बैटरी एंड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस आर एफ, है ना। तो देखो वी गामा वोल्ट की बैटरी कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे कि पी इंड साइड में बैटरी का पॉजिटिव हो एन साइड में निगेटिव, तो वी गामा वोल्ट की बैटरी तो लगेगी, ऐसे लग जाएगी यहां पे वी गामा वोल्ट की बैटरी विद पी इंड पॉजिटिव एन पी इंड इधर है, सीरीज में रेजिस्टेंस आर एफ इधर लगाओ या आर एफ इधर लगाओ, रेजिस्टेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लगा दो या इधर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इधर भी लगा सकते हो इधर भी लगा सकते हो ना, रेजिस्टेंस से तो करंट पास होती है हमेशा ही, तो ये सर्किट रिप्लेस हो जाएगी, है ना। और अब दूसरा केस क्या हुआ इसी में, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिलैटरल स्विच होता है, एक तरफ करंट अलाउ करता है, किस तरफ करंट अलाउ करता है, पी टू एन, और एन टू पी करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो दूसरा केस है इफ ओपन सर्किट के केस में, ओपन सर्किट आपने किया है, वीपी इज लेस देन वी एन मिल गया, जैसे वीपी लेस देन वी एन मिल गया, डायोड इज इन क्या, डायोड इज इन रिवर्स बायस मोड, रिवर्स बायस मोड, और रिवर्स बायस है तो सीधे सीधे आपको वीपी माइनस वी एन किससे कम है किससे ज्यादा है चेक करने की जरूरत नहीं, जबकि फॉरवर्ड बायस में वीपी ग्रेटर देन वी एन मिला तो फॉरवर्ड, लेकिन फॉरवर्ड बायस में वीपी माइनस वी एन इन ओपन सर्किट कंडीशन वी गामा से कम है कि वी गामा से ज्यादा, वी गामा से कम है तब भी वो ओपन सर्किट है, वी गामा से ज्यादा है तब जाके इक्विवेलेंट सर्किट, तब जाके करंट फ्लो होगी। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस आगे करंट निकाल सकते हो। रिवर्स अगर वीपी लेस देन वी एन मिल गया ओपन सर्किट के केस में, सीधे वो रिवर्स बायस में सीधे उसकी किसी सर्किट से रिप्लेस कर दो, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो डायोड को, अब चाहे वो ऐसे डायोड हो चाहे ऐसे डायोड हो, ओपन सर्किट तो ऐसे ही आएगा, है ना, हमेशा, चाहे ये इंड पी हो ये इंड एंड हो, चाहे ये इंड पी हो चाहे ये इंड एंड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ये इंड पी था ये इंड एन था, इसमें ये इंड पी था ये इंडियन था, ये ध्यान रखना। बैटरी वी गामा की जब लगा रहे हैं फॉरवर्ड बायस के केस में इक्विवेलेंट सर्किट में, तो वी गामा वोल्ट की बैटरी विद पी इंड एट पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव इंड पी साइड में और निगेटिव इंड हमेशा किस साइड होना चाहिए, एन साइड में, है ना। तो ये सब चीजें आपने सीख ली, अगले लेक्चर में मैं क्या सिखाऊंगा, जो आपके रेजिस्टेंसेज हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं डायरेक्टली, अगर करंट जीरो फ्लो रही किसी रेजिस्टेंस से तो कैसे वोल्टेज लिख लेंगे डायरेक्टली। दूसरी चीज सिखाऊंगा कि बैटरी के पोटेंशियल 0.7 है 0.8 है, 1 वोल्ट की बैटरी है उसका हमें कैसे यूटिलाइजेशन करना है, दो तीन चीजें बताऊंगा जो आप बार बार करोगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। तो दो तीन पॉइंट्स पहले वो डिस्कस करूंगा, फिर एक सिंपल सा डायोड का, सिंगल डायोड का क्वेश्चन उठाऊंगा, सिंगल डायोड के क्वेश्चन से आपको जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा कैसे ओपन सर्किट डायोड करके ऑन ऑफ चेक करके, ऑन ऑफ को एक बार आपने फाइनल कर दिया उसके बाद वो सिंपल सी नेटवर्क सर्किट होगी क्वेश्चन कर लेंगे। एक डायोड को जब सिखा दूंगा तो दो डायोड, दो या दो से ज्यादा डायोड वाला उसी का एक एक्सटेंडेड एप्लीकेशन होगा सिंगल डायोड का, उसमें दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, सिंगल डायोड में तो एक स्टेप में हो जाएगा क्वेश्चन,
दो या दो से ज्यादा डायोड होंगे तो दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। दो स्टेप में गारंटीड है आपको पता चलेगा कि कौन ऑन है कौन ऑफ है, चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो चाहे पांच हो कितने भी हो, मैं दो स्टेप में 100% बता दूंगा कि कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। और मैक्सिमम क्वेश्चन और उस पर क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल डायोड पे कैसे सोचना है, और केवीएल केसीएल आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिएगा तो आपको चीजें और इजी लगेंगी। और जो केवीएल केसीएल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं जो इनकॉर्पोरेट करता हूं वो मैं तो क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इस चीजों को ध्यान से देखिएगा, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाइएगा, जो आपने पढ़ा था उसको थोड़ा सा पॉलिश करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन और नए थोड़े कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।